morning to all of you. Today I am going to teach you subject English of standard 7. So let's start. Okay, so unit 3 sports. Sports jo unit 3 hai usme humne aage ki activities dekhi thi, sports ke bare mein dekha tha. Now we are going on activity 5. Let's read a scuba diving experience. हमने स्कूबा डाइविंग के बारे में पहले डिस्कस किया था, ठीक है, बट यहाँ पे स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस आपको दिया हुआ है। सम पीपल आर स्केयर्ड टू ट्राई स्कूबा डाइविंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको स्कूबा डाइविंग करते वक्त डर लगता है। सम पीपल लव दिस स्पोर्ट्स एंड ऑलवेज फाइंड दैट एक्सक्यूज टू गो समवेयर ओनली टू डाइव। और कुछ लोगों को स्कूबा डाइविंग करना बहुत अच्छा लगता है, बहाने सोचते हैं स्कूबा डाइविंग करना। Is this sports has some similarities with many favorite fruit, durian? Either you love it or you hate it. Okay? जो sports है वो ऐसे fruit है, हमको क्या, जैसे कि कुछ fruit हमको अच्छे लगते हैं, कुछ fruit हमको अच्छे नहीं भी लगते। तो sports भी ऐसे ही, कुछ sports हमको अच्छे लगते हैं और कुछ sports हमको अच्छे नहीं लगते। और just don't have the courage to try। और कुछ लोग तो ये जो sport है उसको try करने की हिम्मत भी नहीं करते। I had been thinking to take a course on scuba dive month ago। एक writer है जिसने अपना own experience लिखा है scuba diving के बारे में, तो वो कह रहा है कि मैंने एक महीने पहले scuba diving का course किया हुआ है। But was not sure. I am scared of snake. See snake. Thinking about it makes me sick and all fretted. No doubt, मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन मैंने कैसे कोर्स किया हुआ है, तब मेरे साथ मेरे कोच होते थे, मेरे जो पार्टनर्स होते थे, मैंने उनके साथ किया हुआ है, मैंने अकेले कभी ट्राई किया नहीं है। पर मुझे ये भी नहीं पता कि जो अंडर वाटर एनिमल्स है उससे जो मुझे डर लगता है वो मेरा डर गायब हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कभी अकेले ट्राई नहीं किया है। तो ये बात से मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। बट देन आई वाज सो क्यूरियस व्हाई पीपल लव इट सो मच। दे ऑल से दैट अंडर द सी इज लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड येट अ ब्यूटीफुल वन, एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग माई रिस्क एंड ट्राई टू ओवरकम माई फियर of this possibility of bumping into a sea snake laugh at me। okay, तो ये जो writer है वो क्या कह रहा है कि मुझे scuba diving अच्छी लगती है और मुझे मेरा डर भगाने के लिए मैं scuba diving करूंगा। और लोगों का कहना है कि अंडर वाटर जो वर्ल्ड होता है वो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड होता है, पूरा अलग ही वर्ल्ड होता है। और हो सकता है कि मेरा डर वहां तक भाग जाए कि मैं स्नेक के ऊपर बैठ के कूदूं, तो ऑब्वियसली हमको हंसी आएगी, स्नेक के ऊपर तो भाग सकता आज तक कोई बैठ नहीं सकता है। सो आफ्टर टेकिंग अ प्राइवेट लेसन फ्रॉम माय डाइविंग इंस्ट्रक्टर आई वेंट टू एन आइसलैंड। हियर इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। यहां पे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट डाइव 12 meters depth, tried hard not to panic. What the hell am I doing? मैंने फर्स्ट जो डाइव किया था वो कितना डीप में था, 12 मीटर। आई सेड टू माय सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि मैं कर सकता हूं। What if something had happened, but I kept a positive thought. It's going to be a wonderful experience, just do it। मैंने अपने आप को पॉजिटिविटी दी कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करने के बाद अच्छा फील होगा, तो मैं ये कर सकता हूँ। Then I sank myself and went down deeper and deeper। Then मैंने अपने आप को पानी में डाल दिया और मैं अंदर न अंदर चला गया। I could feel my heart beat fast and my ears hurt as I went deeper। मैं जैसे जैसे गहराई में जाता गया मेरी हार्ट बीट फास्ट होती गई और मुझे कुछ अलग फील होने लगा। फॉलोइंग माई डाइविंग
hear often. Until I felt comfortable to explore the underwater sea. जहां तक मैं कंफर्टेबल हो पा रहा था वहां तक मैंने उसकी गहराई में मैंने जाने की कोशिश की. आई कुड फील सडनली ऑल अराउंड मी वॉज ग्रीन. अचानक से मेरे आसपास सब ग्रीन ग्रीन दिखने लगा. आई फेल्ट लाइक लिविंग इन अ गार्डन सॉरी अ ग्रीन वर्ल्ड. जैसे कि मुझे लग रहा हो कि मैं ग्रीन वर्ल्ड में आ गया हूं. ठीक है रियल एज फार एज आई कुड सी एवरीथिंग वॉज ग्रीन. आई सॉ सम कॉरल्स बिग वन सम ऑफ देम लुक लाइक जायंट मशरूम्स. आई सॉ सम सी अर्चिन्स टू एंड लॉट्स ऑफ फिश हाइडिंग इन द सैंड. बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ मुझे. जैसे कि मेरे आसपास सब ही ग्रीन ग्रीन हो गए ग्रीनरी हो गई है. बड़े बड़े मशरूम्स दिख रहे हैं कोरल स्नेक्स दिख रहे हैं छोटी छोटी फिशेस दिख रही है कि जो सैंड के अंदर रॉक के पीछे छुपी हुई है. आई वॉज एंजॉइंग दिस सीनरी ऑल अराउंड मी अंटिल माय इंस्ट्रक्टर वेव्ड एट मी विथ हर हैंड होल्डिंग अ पिंक फिन. वॉट दैट फिन लुक्स फैमिलियर. मैंने तब तक ये सब एंजॉय किया जब तक मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे आगे जाने का इंस्ट्रक्शन नहीं देते. आई थॉट एंड यस दैट्स माय फिन. आई डिडंट रियलाइज दैट माय राइट फिन नो मैनेज्ड टू रिलीज इटसेल्फ फ्रॉम माय राइट फुट. आई वाज ऑलमोस्ट चॉक फ्रॉम लाफिंग विद द रेगुलेटर ऑन एंड द मास्क अटैच्ड ऑन माय फेस. ये सब देख के मुझे हंसी आ रही थी. मुझे अच्छा फील हो रहा था और उसमें मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे फुट का जो फिन है फिन मतलब कि जो भी डाइविंग करते हैं उसके पीछे ऐसे मछली जैसा वो फुट बूट पहनाया हुआ होता है जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाता है. तो वो कब निकल गया पता ही नहीं चला. सो दैट वॉज द फर्स्ट डाइव. इट इन टोटल वी डव 5 times इन 2 days. मैंने 2 दिन में ये 5 बार किया स्कूबा डाइविंग. मैनेज्ड टू डाइव अप टू 80 meters डेप्थ और मैंने 80 meters तक जाने की कोशिश की. द नेक्स्ट डाइव वेर स्मूथ एंड फॉर श्योर आई डिडंट लूज माय फिन. नेक्स्ट जब मैं डाइव करूंगा तो मैं ये बात का ध्यान रखूंगा कि मेरा जो फिन है वो निकलना चाहिए. वो सो हैप्पी टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस स्विमिंग इन फ्रंट ऑफ मी एज इफ आई वॉज इनविजिबल. द सी डेफिनेटली लुक ब्यूटिफुल अंडर वॉटर एंड इट रियली अमेज्ड मी टू रियलाइज दैट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्रिएचर लिविंग अंडर द वॉटर. मैंने ये स्कूबा डाइविंग किया तो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि मानो मैं अलग ही दुनिया में आ गया. वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स थे इतने शांति से रह रहे थे. सारे एक्वेटिक एनिमल एक साथ रहे फिश है कोरल स्नेक है एंड जो बाकी के क्रिएचर्स होते हैं सब एक साथ रह रहे थे लेकिन पीसफुली रह रहे थे. ऐसा नहीं कि यहां से यहां ऐसा कुछ एकदम शांति से सब अपनी अपनी जगह पे पड़े हुए. तो मुझे ये जो पीसफुल वाला जो नेचर है वो अच्छा लगा अंडर वाटर का. इट वॉज इंडीड टू पीसफुल डाउन देयर. सो व्हाट ऑल आई कुड हियर वॉज ओनली माय ब्रीथ. मैं पानी में जब था तब मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनाई दी थी मेरी सांसों की आवाज मेरी ब्रीथिंग की आवाज. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाइल एंजॉय द ग्रीन वर्ल्ड एंड इट्स इनहेबिटेंट अराउंड मी. ओके सो यहां पे ये जो स्कूबा डाइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे जो राइटर है उसने अपना एक अलग स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिखाया है कहा है और आपको इंस्पायर किया कि आप ये ऐसा कुछ ट्राई करो. भले स्कूबा डाइविंग ना करो तो कोई बात नहीं आप स्विमिंग सीखो आप
में ये सब भी आता है, स्कूबा डाइविंग है, स्विमिंग है एंड ऑल दैट. ओके सो हियर इज योर यूनिट स्पोर्ट्स इज कंप्लीट. सो गुड बाय.